नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का जो काम है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने लिए घर बनाने का अगर प्लानिंग कर रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस घर को किस तरीका से बनाया जा रहा है। इस घर का अगर चौड़ाई की बात कर ली जाए तो लगभग 30 फीट के आसपास में इसका चौड़ाई रखा गया है। अगर आपका घर का चौड़ाई 22 फीट से लेकर 40 फीट तक है, फिर भी आप इस डिज़ाइन का फ्रंट एलिवेशन का जो काम किया गया है उसे आसानी के साथ बना सकते हो। कैसे इसे बनाया गया है, आइए स्टेप वाइज जानते हैं। इस घर के सामने की तरफ देखिएगा तो एक पोर्टिको का निर्माण किया गया है जिसका साइज़ 12 फीट बाई 12 फीट के आसपास में रखा गया है। ये देख सकते हो बीम को यू शेप का यहाँ पे काम बीम में किया गया है। अगर आप सामने से इसे देखिएगा, जो प्लिंथ बीम होता है उसे सामने की तरफ निकालते हुए बिल्कुल यू शेप में काम किया गया, और उसके साथ साथ दो सर्कुलर शेप का ये जो कॉलम है आप देख सकते हो, जो गोलाकार कॉलम है इसे भी ऊपर की तरफ निकाला गया है। नीचे से हालांकि इसे लाया गया है, बीम के साथ में इसे टाई किया गया, मतलब बांधा गया। उसके बाद दो सर्कुलर शेप का कॉलम को ऊपर की तरफ ले जाया गया है, और उसके साथ साथ इस घर का जो पोर्टिको है उस पर अगर आप गौर कीजिएगा तो अच्छे तरीके से आर्क शेप का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है, आप आसानी के साथ देख सकते हो। और उसके साथ साथ दोनों तरफ में आपको कुछ स्टेप डिज़ाइन के साथ में जो आर्क वर्क है वो देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, इस तरीका से इस घर का जो काम है, जो पोर्टिको का काम है उसे किया जा रहा है। और ये जो आप देख रहे हो जो स्टेप डिज़ाइन किया गया है, ये थर्मोकोल की मदद से आसानी के साथ, अगर आपका मिस्त्री अच्छा हुआ तो आसानी के साथ इसका आप सेंटरिंग करवा सकते हो। देख सकते हो अभी भी थर्मोकोल का इसमें टुकड़ा है, वो चिपका हुआ है। तो इस तरीके से थर्मोकोल का प्रयोग करते हुए आपको इस तरीके से सांचा तैयार कर लेना है कि ढलाई के बाद आपको कुछ इस तरीके से स्टेप डिज़ाइन मिल जाए। तो देखिए, इसका काम बिल्कुल फिनिशिंग तक मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसका काम है वो किया गया है। अंदर से स्टेप डिज़ाइन बिल्कुल प्लेन है, देख सकते हो। सिर्फ सामने की तरफ ही जो सीढ़ीनुमा डिज़ाइन है उसका काम किया गया है। सेम साइज़ में आप देख सकते हो, बिल्कुल इसी पैटर्न पे इसका काम आप करवा सकते हो। और यही काम को ना सिर्फ एक तरफ से बल्कि तीनों तरफ से किया गया है। इस घर का जो पोर्टिको है इसके ऊपर में फ़ैन और जो बिजली का जो लाइट के लिए पॉइंट होता है उसके लिए भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे छत के ढलाई के समय पॉइंट दिया गया है। ये है इस घर के लिए मेन दरवाजा जिसका साइज 7 फीट बाई 4 फीट के आसपास का रखा गया है। मेन डोर इससे आपको छोटा नहीं रखना चाहिए। इस घर में एक सुंदर सा जो खिड़की है उसका निर्माण भी किया जा रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि खिड़की का जो काम है उसे किस तरीके से किया जा रहा है। तो देखिए, सामने की तरफ एक सुंदर सा आपको इस घर के लिए लुक मिल जाता है, दोनों साइड तरफ से भी एक अच्छा काम किया हुआ आपको मिलता है। और उसके साथ साथ इस घर का जब प्लास्टर का काम किया जाएगा, पेंटिंग का काम किया जाएगा, और भी अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। दाहिने तरफ देख सकते हो एक सुंदर सा जो खिड़की है उसका निर्माण भी किया गया है ताकि इसका घर का जो लुक है उसे और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो देखिए, मैं आपको इस घर के लिए एक कॉर्नर व्यू दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इस घर का काम को किया गया है। और पोर्टिको के दोनों तरफ से, तीनों तरफ से देखेगा तो 2 से 2.5 फीट के आसपास में जो छज्जा है उसे भी निकाल लिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात कर लिया जाए तो इस घर का जो खिड़की है उसे भी आप देख सकते हो कि नीचे वाला जो हिस्सा है जहाँ पे फर्श रहता है उसे 3 फीट की ऊंचाई में 20 से 22 इंची के आसपास में बाहर की तरफ स्लैब निकाला गया। उसके बाद 2 सर्कुलर शेप का कॉलम का सपोर्ट लिया गया, उसके साथ आर्क शेप और ऊपर में स्लोप डिज़ाइन के साथ में यहाँ पे काम को किया गया है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको 3 से 4 स्टेप डिज़ाइन मिल जाता है। तो ये स्टेप डिज़ाइन खिड़की का और जो पोर्टिको में बनाया हुआ है उसे अगर अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ पेंट करते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो इस ढंग से इस घर का जो काम है उसे किया जा रहा है, आप आसानी के साथ देख सकते हो। प्लास्टर के बाद फिर से मैं आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा और दिखाऊंगा कि प्लास्टर के बाद कैसा दिख रहा है, फिर पेंटिंग के बाद एक किस तरीके से दिखता है। ये देख सकते हो 2.5 से 3 फीट ज़्यादा हो जाएगा, 2.5 फीट के आसपास तक आपको इसका जो छज्जा है उसे निकालना चाहिए। हालाँकि यहाँ पर देख सकते हो कि सामने की तरफ थोड़ा स्लोप डिज़ाइन में छज्जा को भी रखा गया। मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर चाहो तो आप थोड़ा और भी ज़्यादा स्लोप कर सकते हो, और भी ज़्यादा झुका हुआ आप इसे बना सकते हो। इसके ऊपर में छप्पर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। तो बहुत जल्द मिलते हैं इसी घर के अगले वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।